everyone. Good morning to everyone. आज एक बार फिर तीन चार दिन के ब्रेक के बाद मैं एम ए नदीम लेक्चरर GSS जारोड़ा अपने चैनल ई कंटेंट GSS जारोड़ा के माध्यम से आपके लिए एक नया ग्रामर टॉपिक लेके आया हूँ। वैसे आप लोगों को ज्ञात है हम लोग डिटरमिनर्स के बारे में जानकारी ले रहे थे और उसमें हमने ए एन और दी जिनको आर्टिकल्स भी कहा जाता है उनकी जानकारी ली। आज इसी क्रम में हम एक और इम्पॉर्टेंट डिटरमिनर्स जो है लेंगे। लिटिल फैमिली के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। डिटरमिनर्स में कौन सा है टॉपिक? लिटिल फैमिली के बारे में। लिटिल क्या है सबसे पहले तो इसको हम जान लेते हैं। लिटिल का इंग्लिश लैंग्वेज में कई रूप में प्रयोग होता है, तो सबसे पहले जाने इसके यहाँ थोड़ा सा जो अंतर है वो जान लें। कई जगह हमने देखा है लिटिल जो है डिटरमिनर्स के रूप में भी आता है, कई जगह एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। जैसे लिटिल बॉय, हमने कहीं देखा लिखा हुआ लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, लिटिल टास्क, तो वो वहाँ जो लिटिल है वो डिटरमिनर के बजाय वो वहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लिटिल डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। और डिटरमिनर्स के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ये नाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति को निश्चित करते हैं। नाउन के पहले लगकर के उसकी स्थिति को निश्चित करते हैं। तो आइए आज हम लिटिल फैमिली को समझेंगे। और सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी हम वीडियोज बना रहे हैं अभी तक मैंने जो बनाए हैं आगे बनेंगे भी, ये सारे हमारे रूरल एरियाज के विशेषकर जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स जो हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का होगा। और इसके बेस पर वो आगे जाकर कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। तो इसको सीरियसली लें, अच्छे से लें, फ़ायदा उठाएँ। आइए तो सब बात करते हैं लिटिल फैमिली की। सबसे पहले बात करते हैं जो लिटिल फैमिली जो है, ये लिटिल जो है इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में डिटरमिनर के रूप में कहाँ किया जाता है उसको जानेंगे हम। सबसे पहली बात, ये क्वांटिटी बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, मात्रा बताने के लिए, नॉट नंबर, संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग मात्रा बताने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली इसकी जो शर्त हुई लिटिल फैमिली को लगाने की कि ये किसी भी कैसी नाउन के पहले लगेगी, क्वांटिटी बताने वाली अर्थात मात्रा बताने वाली नाउन के पहले ही इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे वाटर है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इस तरह की कुछ चीज़ों के पहले इसका प्रयोग किया जा सकता है। रुकिए, इसको रुकिए, हाँ बोलिए। हाँ तो बात चल रही थी अपनी लिटिल जो डिटरमिनर से उनका प्रयोग कहाँ किया जाना है। तो पहली इसकी जो शर्त है, ये किसी भी ऐसी नाउन के पहले लगाया जाना चाहिए जो क्या हो, नाउन कैसी हो, मात्रा, नाउन की मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट नंबर, संख्या बताने के लिए नहीं। और फिर वो जो नाउन है, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, वोटर है, इसी तरह से आपके नॉलेज है, चांस है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनकी मात्रा बताई जाती है, जिनकी हमेशा मात्रा बताई जाती है। और ये अनकाउंटेबल भी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी, दूसरी शर्त क्या है लिटिल ग्रुप कहाँ लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। और जो इनकी गिनती नहीं की जा सकती वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मुख्य बिंदु पर आते हैं। अब ये तो हुई लिटिल फैमिली की सामान्य जानकारी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाना है। तो लिटिल फैमिली का आपको, लिटिल जो फैमिली है उसके जो तीन डिटरमिनर्स हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग सबसे पहले मात्रा बताने के लिए किया जाएगा किसी भी नाउन की, दूसरी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाएगा, और जो सिंगुलर होगी उनके पहले इसका प्रयोग किया जाए। अब हम एक एक करके ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये न केवल आपके एकेडमिक जो आपका जो क्लासेज है
उसमें तो एग्जामिनेशन में काम आएगी, साथ ही साथ में ये नॉलेज आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लिटिल, सबसे पहले जानते हैं लिटिल जो है उसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है थोड़ा, लिटिल माने थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा, वैसे तीनों का अर्थ थोड़ा होता है, लिटिल का, अ लिटिल का और द लिटिल का, लेकिन लिटिल का मतलब थोड़ा तो होता है, लेकिन साथ में वो थोड़ा कैसा, न के बराबर। तो कोई किसी नाउन की किसी सेंटेंस में आपको लिटिल का प्रयोग कब करना है, जब किसी नाउन का किसी सेंटेंस में किसी नाउन की मात्रा जो है थोड़ी तो हो बट न के बराबर हो, यानी सेमी नेगेटिव सेंस दे रहा हो। इसीलिए आपको पता है लिटिल को एक सेमी नेगेटिव वर्ड माना गया है, ये नकारात्मकता का भाव देता है, और उस थोड़ी मात्रा से जो भी सब्जेक्ट का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा हो, जो भी वो करना चाहता है सब्जेक्ट उस सेंटेंस में वो पूरा नहीं हो रहा हो, तो वहाँ लिटिल लगाना है। ऐसी कई स्थिति आ रही है नाउन की, तो आपको ऐसी नाउन के पहले लिटिल का प्रयोग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक सो आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल, पहले सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर लिटिल ग्रुप को ही क्यों शामिल किया आपने। पेट्रोल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और यहाँ क्वांटिटी बताई जा रही है, इसकी मात्रा बताई जा रही है। तो ठीक है, लिटिल ग्रुप आएगा, अब लिटिल ही क्यों आएगा यहाँ, उसका रीजन देखें आप। इसमें देखें आप सेंस क्या निकल रहा है, इसमें थोड़ा तो है पेट्रोल की मात्रा लेकिन न के बराबर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो उद्देश्य है सब्जेक्ट का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसे बाइक पर ऑफिस नहीं जा पा रहा वो, उसके बजाय उसे क्या करना पड़ रहा है, फुट पे जाना पड़ रहा है, यानी पैदल जाना पड़ रहा है, तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो लिटिल का प्रयोग कब करेंगे, जैसे दूसरा, शी हैज लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज शी इज बैडली इंजर्ड। चांस एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, मात्रा बताई जा रही है इसकी। अब लिटिल ही क्यों प्रयोग किया गया यहां पर, क्योंकि उसके चांस कैसे हैं, उसके चांस ना के बराबर कैसे हैं, क्योंकि वो सी बैडली इंजर्ड हो गया है, वो बैडली इंजर्ड हो गई है, अर्थात वो बुरी तरह से घायल हो गई है, तो उसके बचने के सर्वाइवल के चांस ना के बराबर हैं। तो आपको जब भी इस तरह के डिटरमिनर्स का यूज करना है तो थोड़ा सा उसका हिंदी में भी अर्थ लगा करके आपको समझने की कोशिश करनी है, तो एग्जैक्टली आप उसके पॉइंट पर, रियल पॉइंट पर आ जाएंगे, सही डिटरमिनर का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, गलत अर्थ लगाने से आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन देखें, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट परचेज, आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग। अब यहां मनी देखें, पहले तो मनी एक क्वांटिटी बताई जाती है मनी की, और अनकाउंटेबल भी है ये, और काउंटेबल भी होती है, लेकिन यहां पर ये अनकाउंटेबल सेंस में आ रही है। और दूसरा, यहां पर लिटिल का प्रयोग क्यों किया गया, क्यों, क्योंकि लिटिल की स्थिति बन रही है यहां पर, यहां पर जो पर्पस जो है सब्जेक्ट का वो पूरा नहीं हो रहा है, और यहां मात्रा जो उसकी मनी की है वो ना के बराबर है। वो कैसे पता चला आपको, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो कुछ भी कभी कब नहीं खरीद सकता कोई व्यक्ति, जब उसके पास मनी कैसी हो, थोड़ी तो हो लेकिन ना के बराबर। ठीक, तो ये आपको हमने जाना लिटिल का प्रयोग। तो लिटिल का प्रयोग एक बार हम इसको ब्रीफिंग करते हैं, कहाँ करना है, जब दी गई नाउन अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, मात्रा बताने के लिए उसका प्रयोग हो रहा हो, और उसमें जो भी उसकी मात्रा आ रही है वो मात्रा थोड़ी हो लेकिन न के बराबर हो, नकारात्मक भाव दे रही हो, और उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा हो, तो लिटिल लगा देंगे। क्लियर, आइए अब हम बात करते हैं इसी का, इसी फैमिली के दूसरे एक डिटरमिनर की, अ लिटिल। लिटिल की जगह अ लिटिल का प्रयोग कहाँ करना है, तो जैसे लिटिल की जगह प्रयोग करना है जहाँ जिन जिन स्थितियों में वही अ लिटिल, लेकिन यह अंतर ये है, स्थितियों में अंतर आ जाएगा थोड़ा सा। क्या, अ लिटिल का भी अर्थ थोड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैसा, ऐसी मात्रा, यहाँ पर थोड़ी जो मात्रा होगी किसी भी नाउन की वो ऐसी होगी जिससे पर्पस पूर्ण हो सके, यानी पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर बात करेंगे। अ लिटिल का प्रयोग हमें जब किसी भी मात्रा की पॉजिटिव सेंस हो या सकारात्मक स्थिति हो, यानी काम चल सके, यानी सब्जेक्ट का कार्य पूरा हो सके, सब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा है वो पूरा हो सके, तब वहाँ पर आपको ऐसी स्थिति में
अ लिटिल का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देयर इज अ लिटिल पेट्रोल, यहां हमने पेट्रोल, यहां भी पेट्रोल था, यहां भी पेट्रोल था, लेकिन यहां पर अ लिटिल क्यों लगा दिया? क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पेट्रोल की मात्रा इस सेंटेंस के बाकी हिस्से को पढ़ने पर लगता है कि उद्देश्य पूरा कर रही है, यानी काम चल रहा है। तो ऐसी कोई भी मात्रा आ जाए किसी नाउन की कि कार्य या उद्देश्य पूरा हो जाए सब्जेक्ट का, तो वहां पर आपको अ लिटिल का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, देयर इज अ लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक सो आई कैन गो टू ऑफिस ऑन इट। तो क्यों अ लिटिल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ उद्देश्य पूरा हो रहा, मात्रा है थोड़ी लेकिन काम चल सके इतनी है, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग किया है। सी हैज अ लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसी का सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं लेकिन स्थिति बदल गई है। सी हैज अ लिटिल चांस, अ लिटिल क्यों लगे यहाँ पर? चांस उसके पास है लेकिन कैसा, थोड़ा चांस है लेकिन कैसा है, काम चल सके। क्यों? बिकॉज सी इज नॉट बैडली इंजर्ड, क्योंकि वो बैडली इंजर्ड नहीं है। और आप लोग जानते हैं जब कोई बहुत बुरी तरह से घायल नहीं होता तो उसके बचने के चांसेस कैसे रहते हैं? रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं। तो थोड़ा लेकिन काम चल सके इतना, इसीलिए यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग किया गया है। देन आई हैव अ लिटिल मनी, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मनी वाला ऊपर दिया था मैंने, वैसे यहाँ दिया आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन परचेज समथिंग। तो सेंस बदल गया, स्थिति बदल गई, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ स्थिति बदल गई कि यहाँ पर सकारात्मकता की सकारात्मक स्थिति आ गई, अर्थात पॉजिटिव सेंस आ गया। थोड़ा धन है उसके पास लेकिन इतना है कि उसका वो उद्देश्य पूरा कर सके, तभी तो वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर हमने अ लिटिल, तो ब्रीफिंग करते हैं एक बार अ लिटिल को। तो अ लिटिल और लिटिल में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक हल्का सा अंतर ये है, अ लिटिल आपको वहाँ प्रयोग करना है जहाँ पर किसी भी नाउन की जो मात्रा है, क्वांटिटी जो है, थोड़ी तो हो लेकिन उस थोड़ी से भी काम चल जाए, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगे कि मात्रा पूरी हो, या बोलते समय भी आप कभी ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं अ लिटिल का, ए लिटिल का, तो वही बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का कि मात्रा थोड़ी हो लेकिन अगर काम चल रहा है तो अ लिटिल लगा दें, और नहीं चल रहा है, काम नहीं पूरा हो पा रहा है तो लिटिल का प्रयोग कर देंगे। राइट, अब आगे चलते हैं। लास्ट वन जो है इस ग्रुप का जो मेंबर है वो है आपके द लिटिल। इसका अर्थ तो होता है थोड़ा ही, क्योंकि आपको कॉमन बताया मैंने, इसका कॉमन मीनिंग जो है हिंदी में क्या होती है? थोड़ा। लेकिन जो भी है, यानी थोड़ा जो भी है या था या होगा, जो भी थोड़ा मेरे पास था, जो भी थोड़ा है या जो भी होगा, ऐसे सेंस में अगर कहीं कोई नाउन के पहले सेंस निकल रहा है, उसकी मात्रा इतनी दिखाई जा रही है, जो भी थोड़ा का भाव के साथ आ रही है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हमें द लिटिल का प्रयोग करना। और सेंटेंस में और स्थिति बता रहा है कि वहाँ ऐसी स्थिति आए तो भी आपको, जैसे सेंटेंस में टू पार्ट्स नज़र आ रहे हों या सेंटेंस में ब्लैंक शुरू में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको द लिटिल का प्रयोग करना है किसी भी नाउन की मात्रा बताने के लिए। कब? जब जो भी थोड़ा का हिंदी में सेंस निकल रहा है और वाक्य में दो से पार्ट या तीन पार्ट लग रहे हैं, या बिगिनिंग में शुरू में उसके कोई इस तरह का ब्लैंक आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर द लिटिल का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द लिटिल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई एग्जामिनेशन में टेस्टिंग की जाती है तो यहाँ ब्लैंक आता आगे, तो आपको द लिटिल लगाना, द लिटिल मनी आई हैड बीन लॉस्ट इन द गैम्बलिंग। तो सेंस क्या निकला यहाँ पर, द लिटिल की सेंस स्थिति कैसे बनी? मनी जो भी धन जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे पास था, तो जो भी था, जो भी होगा या जो भी है, इस तरह का सेंस आए थोड़े के साथ, जो भी थोड़ा धन मेरे पास था उस वो गैम्बलिंग में लॉस्ट हो गया। तो दो टुकड़े भी नजर आ रहे हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के शुरू में भी ब्लैंक आ रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति बने कहीं भी किसी भी नाउन की मात्रा जो थोड़ी बताई जा रही है और साथ में थोड़ी के साथ में जो भी थोड़े का भाव आ रहा हो, तो हमको वहां पर क्या लगाना है? द लिटिल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन, द लिटिल इंफॉर्मेशन, द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव, द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव, जो भी थोड़ी सूचना या जो भी थोड़ी सी सूचना मेरे पास है,
हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द पुलिस, वो पुलिस को दे दी गई है। अर्थात कहने का मतलब दो टुकड़े भी नजर आ रहे हैं सेंटेंस में और जो भी थोड़ा का भाव निकल रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको द लिटिल के प्रयोग में थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, हमको मीनिंग उसकी निकालनी पड़ेगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न प्रयोग करके उनको अंदाजा लगाना होगा, तो जिससे वो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन टेस्ट में या अपने क्लासेस के टेस्ट में इंग्लिश में डिटरमिनर लिटिल ग्रुप का वो सही प्रयोग कर सकेंगे। शायद आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बिना कोई फायदा नहीं है। और ये जो लिखाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, इसको आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लें ताकि रिकॉर्ड के रूप में आपके पास रहे, ताकि कोई चीज़ समझ में नहीं आए। वीडियोस तो है ही आपके पास, इसके अलावा आप इसको नोट कर लेंगे तो आप कभी भी मान लीजिए वीडियो न देखकर सीधे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता।